नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गजेंद्र और आप देख रहे हैं टेक कवर। आज अपन बात करें इंटरेस्टिंग टेक न्यूज़ के बारे में, और रेंडमली मैंने पिक करी है टेक न्यूज़, तो वीडियो एंड तक देखते रहिएगा ताकि सारी इंटरेस्टिंग टेक जो भी न्यूज़ है वो आपको एक ही जगह पर मिले। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सैमसंग गैलेक्सी S9 सीरीज में वन यूआई 2.1 का अपडेट आ चुका है और एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच भी आ चुका है जून 2020 तक का। अगली न्यूज है, शाओमी ने लॉन्च कर दिया है गेमिंग मॉनिटर विद 165 GHz रिफ्रेश रेट के साथ। प्राइसिंग लगभग रखी है 23,500 के आसपास। चाइना में लॉन्च हुआ है, अभी इंडिया में नहीं हुआ है। आगे बात करें तो यूरोपियन कंट्रीज में लॉन्च हुआ है EU बॉर्डर एप्स टूरिस्ट के लिए, ताकि जो भी टूरिस्टर बाहर से आ रहे हैं उनको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं कि भाई कौन सा म्यूजियम खुला है, कौन सा बंद है, क्वारंटाइन कितने दिन तक रहना है। कोविड-19 के तहत ये पहल शुरू की है यूरोपियन कंट्रीज ने। नोकिया अपने शेयर्स डिलीवर कर रहा है चाइना यूनिकॉम को, लगभग 10% शेयर में देगा 5G कोर नेटवर्क के। हुआवे और ZTE पहले से ही पार्टनर है चाइना यूनिकॉम्स के, और अब नोकिया भी आ चुका है 10% शेयर अपने 5G कोर नेटवर्क्स के साथ। LG वेलवेट विद ट्रिपल रियर कैमरा 5G सपोर्ट लॉन्च हो सकता है यूरोपियन कंट्री में, लाइक जर्मनी, स्पेन, इटली, पोलैंड एंड हंगरी में। और स्पेसिफिकेशंस की बात करें, स्नैपड्रैगन 765 SoC है और 4300 बैटरी है। ये कुछ फीचर्स लीक हुए, फीचर्स के साथ ही लॉन्च होगा इन यूरोपियन कंट्रीज। आगे बात करें तो रिपोर्ट्स के अनुसार चाइना प्रेसिडेंट ने कंफर्म किया है कि वो अपने खुद के प्रोसेसर्स बनाएंगे स्मार्टफोन्स के लिए। एसर 13N सीरीज अल्ट्रा कॉम्पैक्ट पीसीज लॉन्च हो चुके हैं इंडिया में। प्राइसिंग लगभग रखी है 9,999 रुपीज के साथ। पर्पज इनका है कि भाई अब जो कोविड-19 के तहत ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है उसको बढ़ावा देने के लिए इन्होंने ये पीसीज लॉन्च किए हैं विद अफोर्डेबल प्राइस। आगे बात करें तो टिकटॉक पेरेंट्स कंफर्म्ड, बाइट डांस ने कंफर्म किया है कि वो अपने दो एप्स वीगो वीडियो एंड वीगो लाइट शट डाउन करेगा, यानी बंद करेगा अक्टूबर 31 तक। और जो भी इनके यूजर्स हैं उनको बोला है कि टिकटॉक पे शिफ्ट हो जाए। सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप वेरिएंट 5G वेरिएंट लॉन्च हो सकता है अगस्त में, तो देखते हैं भाई कब लॉन्च होता है। वन प्लस 65 वॉट सुपर वॉप चार्जर लेटर हाफ ऑफ द ईयर लॉन्च हो सकता है। तो OnePlus 8 सीरीज के साथ ही लॉन्च हो सकता है, तो देखते हैं कब लॉन्च होता है। अभी तो 30 वॉट फास्ट चार्जिंग ही चल रहा है। अब 60 वॉट 5G चार्जर आएगा तो देखिए आप, पता नहीं कितनी जल्दी चार्ज होगा, तो देखते हैं आप कब लॉन्च होता है। फेसबुक ने कॉल्स रिजेक्ट की ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट और ऑस्ट्रेलियन न्यूज कंपनी की। वो चाहती थी कि जो भी फेसबुक एड रेवेन्यू से जो पैसा गेन करता है वो इन न्यूज कंपनी में बांटे, तो फेसबुक ने बिल्कुल मना कर दिया है। और ऊपर से ये भी बोला है कि जो आपकी न्यूज फीड है वो भी हम हटा देंगे हमारे फेसबुक से। सोनी WF-SP800N एंड सोनी WF-XB700 ट्रू वायरलेस ईयरफोन लॉन्च हो सकते हैं इंडिया में जून 24 तक। टेक्नो का टेक्नो स्पार्क पावर 2 लॉन्च हो रहा है जून 17 को इंडिया में, और प्राइसिंग और स्पेक्स के लीक हुए थे। 9,999 की प्राइस है, देखते हैं क्या फीचर्स होते हैं 17 जून को पता चले। एक और फोन लॉन्च हो रहा है सैमसंग गैलेक्सी A21S, वो भी 17 जून को ही लॉन्च हो रहा है, और क्वाड कैमरा सेटअप है, 5000 mAh की बैटरी रखी हुई है। प्राइस लगभग बताई जा रही है 17,000 रुपीज़। तो देखते हैं लॉन्च होने के बाद पता चलेगा कि क्या प्राइस है और हाउ क्या क्या फीचर्स है। आरोग्य 5 पोर्टल लॉन्च हो गया है अभी इंडिया में, ताकि जो भी अपने कोविड-19 के कारण जो सप्लाईज की प्रॉब्लम आ रही थी, जो क्रिटिकल क्राइसिस आ रहे थे सब मेडिकल्स के लिए, तो
उसके लिए आप आपको आरोग्य पोर्टल पे अप्लाई करना है, और आपके लिए जो भी एपीपी किट एंड अदर जो भी मेडिकल फैसिलिटीज या सप्लाई आप जो इक्विपमेंट है वो आपको दिए जाएंगे। और ये एक मेरे हिसाब से मानो तो बिजनेस के लिए भी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है बिजनेस के लिए। तो जो भी बिजनेस देख रहे हैं इस फील्ड में वो ट्राई कर सकते हैं। वन प्लस एट प्रो की आज सेल थी 12 बजे, तो जो भी लेना चाहते थे और नहीं लिया है वो पता नहीं अब चल रहे हैं या नहीं चल रहे, मे बी अब तो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका। और रियलमी नार्जो 10 की भी आज सेल थी, तो इन दोनों फोन की आज सेल्स थी, तो जरूर चेक करिएगा। अमेजोन पे है इसका तो, वन प्लस एट प्रो का, और अपनी ऑफिशियल साइट पे है नार्जो 10, जो फ्लिपकार्ट पे होगा आपके लिए। वीवो V19 नियो विद क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 675 एंड क्वाड कैमरा सेटअप लॉन्च हो चुका है फिलीपींस में। 4500 mAh की बैटरी है, 18 वॉट फास्ट चार्जिंग है, प्राइसिंग लगभग बताई जा रही है 27,200। ये लगभग वीवो V19 के सिमिलर जैसा ही फोन है, फिलीपींस पर लॉन्च हुआ है, पता नहीं इंडिया में कब लॉन्च होगा, देखते हैं। तो यही थी आज की इंटरेस्टिंग टेक न्यूज, और टेक न्यूज अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करें, शेयर जरूर करिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब मार के जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।